हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वेदिका की एक प्लेलिस्ट ट्रेड लर्न टू एडवांस के आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लेवल को किस प्रकार मार्क किया जाता है, क्योंकि लेवल मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो इंट्राडे के प्रस्पेक्टिव से हैं, उसमें सपोर्ट एवं रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम कैंडल्स सेलेक्ट करेंगे, वो 30 मिनट की करेंगे, और यदि आपको कैंडल्स के बारे में जानकारी नहीं है तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी कैंडल इस तरह का होता है, एक रेड कैंडल होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है। तो पहले हम ग्रीन कैंडल को समझते हैं। इस तरह का कुछ कैंडल होता है, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। तो एक कैंडल ग्रीन हुआ, जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे की तरफ से ओपन होता है। ये जो इसका आप देख रहे हैं पार्ट्स, ये है इसका ओपन और यहाँ पर ये क्लोज, और इसके जो ये बीच में है ये इसकी बॉडी है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी होंगी और इसको हम विक्स बोलेंगे। ठीक है, ये लोअर विक्स है और ये अपर विक्स है। ठीक है, ये इसका जो लेवल है इसका लो है और ये इसका हाई है। सेम इसी तरह जो रेड कैंडल होता है उसमें क्या होगा, हाई और जो लो है वो तो दोनों एक ही रहेगा, लेकिन उसका जो ओपन और क्लोज की स्थिति है वो उसमें कुछ भिन्न होती है। आइए समझते हैं किस प्रकार होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल है, तो जैसे ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ये कैंडल है ऊपर की तरफ से ओपन होती है। तो इस कैंडल में यहाँ पर इसका ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा, ये इसका लो होगा, ये इसका हाई होगा और ये इसकी बॉडी होगी। ठीक है, तो ये इसमें बॉडी है, एक बार इसको डिलीट करके समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये इसकी बॉडी है, ये इसकी विक्स है, ये दोनों में अपर विक्स हैं और इसमें ये लोअर विक्स हैं। तो तीन चीज़ ध्यान रखेंगे आप, बॉडी और विक्स। ठीक है, ये लेवल इसका नीचे का हम लो बोलेंगे इसको और इसको हाई बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी ये एक दो तरह की कैंडल होती हैं, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है। अब देखिए, हम जब लेवल मार्क करते हैं उस समय हम 30 मिनट की कैंडल का सिलेक्शन आउट करेंगे, और जब मार्केट में हम ट्रेड करेंगे तब उसको हम रीड करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो देखिए, थोड़ा पीछे से चलते हैं। तो इसमें हम जो लेवल मार्क करेंगे तो उसमें हम इसकी विक्स को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक लेवल है, लेवल मार्क करने के लिए यहाँ पर आना है और आपको ये रिक्टेंगल, और रेक्टेंगल की सेटिंग में जाके आपको ये दोनों तरफ से इसको मार्क कर देना है। ओके, अभी डिलीट करता हूँ मैं। अब देखिए, यहाँ पर ये पूरा लेवल है, इसके जो विक्स है यहाँ से यहाँ तक, ये एक लेवल मार्क किया जाएगा। तो हम जो नीचे का लेवल मार्क करेंगे वो एज ए सपोर्ट का वर्क करेगा, उसको हम ग्रीन कलर से करेंगे, और जो रेसिस्टेंस यहाँ पर आएगा उसको हम रेड कलर से लेंगे। तो देखिए, ये एक लेवल हो गया। ठीक है, इसको हल्का गिरन रखते हैं कुछ इस तरह से। अब ये लेवल मार्क होने के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ आएगा ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे यहाँ पर देखिए, एक विक्स ये, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करेगी कैंडल, राइट। नेक्स्ट यहां पर है, ये एक सपोर्ट है, आगे चलते हैं। ये है जी, अब यहाँ से हम बना रहे हैं पहले दिन का, यहाँ पर डेव खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर ये एक पहले दिन के लिए यहाँ पर ये रेसिस्टेंस था, लेकिन अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है तो ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, ये
5 दिसंबर की बात है, और 5 दिसंबर को यहाँ पर ये यहाँ से रेसिस्टेंस यानी मार्केट को रेसिस्टेंस मिला, नीचे आया, और नेक्स्ट डे 6 दिसंबर को मार्केट कैंडल ओपन हुआ और यहाँ से इसको रेसिस्टेंस मिल गया, यानी इसी लेवल पे आकर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इसने ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस का काम किया। लेकिन अभी के लिए नेक्स्ट इन फ्यूचर ये सपोर्ट का काम करेगा, राइट। अब देखिए ये जो लेवल है ये कल का लेवल है, 11 दिसंबर का लेवल है ये, तो ये एक मार्क करना रह गया है, ये यहाँ से देखिए हम मार्क कर देते हैं, थोड़ा इसको यहाँ विक्स तक लाएंगे और ये इस विक्स तक। ये आप मान के चलिए कि आज मार्क किया हमने, ठीक है। अब जब भी मार्केट नीचे से यहाँ आएगा तो रेसिस्टेंस लेगा, और ऊपर से आएगा तो सपोर्ट लेगा। तो नेक्स्ट डे के मार्केट यहाँ गया नहीं, उससे पहले इसने रेसिस्टेंस ले लिया और फिर नीचे 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 मार्केट गया, और ये है 14 दिसंबर का, तो मार्केट ओपन ही इस पर सपोर्ट पे हुआ है, यानी जब मार्केट जब भी इसे ऊपर जाता है तो ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर इस सपोर्ट रिएक्ट किया और यहाँ से मार्केट एक स्विंग बनाया इसने, ठीक है। अभी यहाँ के लिए हम ये किए रेसिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए ये सपोर्ट हो गया है, यहाँ मार्केट जब भी आएगा रिएक्ट करेगा। देखिए नेक्स्ट डे इससे ऊपर मार्केट ओपन, सॉरी आज के दिन यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पे? आज के लिए रेसिस्टेंस ही था, आज की बात माने तो ये एक रेसिस्टेंस से ऊपर मार्केट ओपन हुआ। 15 मिनट में समझेंगे हम, 15 मिनट में करके देखता हूँ मैं चार्ट को। ये देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और इसने एक रेसिस्टेंस को एक्ट किया और यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइम के लिए, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुका है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इसको हम ग्रीन कर देंगे। अब उम्मीद है कि जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अब ये एक लेवल ये विक्स रहेगी यहाँ पर, इसको मैं 30 मिनट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, ये अभी रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं हम कल जब मार्केट ओपन होगा, अगर इस लेवल से ऊपर ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है, और इस लेवल से नीचे मार्केट ओपन होता है तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अब इस चार्ट को हम कर देते हैं 15 मिनट में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेड कब लेना है। अब आपको क्या करना है, 2 मूविंग एवरेज ऐड करने हैं। मेरे ख्याल से वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट टाइम में अगले पार्ट को समझेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें 2 मूविंग एवरेज ऐड करेंगे और उसके आधार पर जब भी 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है तब हम एंट्री लेंगे। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, कुछ रिस्पॉन्स मिलता है तो मेरा मनोबल अप होगा, और जो भी मैंने मार्केट के अंदर लर्निंग की है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।